आज की ही वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं, हल करने पर ही इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 756 दी गई है। ठीक, तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर विद्यालय में 70% लड़के हैं तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां 30% होंगी। ठीक, यहां लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, लड़कियों की संख्या 756। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, माना कुल विद्यार्थी बराबर एक्स के। ठीक, तब लड़कियों की संख्या क्या होगी, कुल विद्यार्थी का 30%। ठीक, मतलब अगर 70% लड़के हैं विद्यालय में तो जाहिर सी बात है 30% लड़कियां होंगी, तो हम कुल विद्यार्थी जो यक्ष माने हैं, यक्ष का 30% निकालेंगे। तो यक्ष का 30% क्या होगा, 30/100, 0 0 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, यहां नीचे लिखते हैं 3x/10। ये हो गई लड़कियां, ठीक है। फिर कह रहा है लड़कियों की संख्या 756 दी गई है, तो क्या होगा यहां पर, 3x/10 बराबर क्या होगा 756 के, 3x बराबर क्या होगा 756 × 10/3, एक्स बराबर क्या होगा, भाग दे देते हैं, क्या होगा, 3 × 6 = 7, 15 हुआ, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 0। यहां पर एक्स का मान जो आ गया वो क्या आ गया, 2520। ठीक, एक्स क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई है, तो लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी कितना, 2520। ठीक, ये आ गए 2520। अभी हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, कैसे होगा, ऊपर जगह खाली, यहां पर सॉल्व करते हैं, लड़कों की संख्या कैसे होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे, ठीक। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 2520 कुल विद्यार्थी में से अगर हम लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, 756 दिया गया है, आपने यहां पर भी लिखा है लड़कियों की संख्या, ठीक है, माइनस करिए, 10 में से 6 घटाइए 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, इधर से हासिल लीजिए, 11 में से 5 घटाएंगे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 14 में से 7 घटाएंगे 7 आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 17 × 64। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और लड़कों की संख्या कितनी आई, 1764। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 1764। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।